जाने चाहते हैं लोग, हम लोग पूरे राजस्थान के काफ़ी सारे कॉलेज में जा रहे हैं, मणिपाल गए थे, अध्यक्ष गए थे, उससे पहले हम उदयपुर भी कई सारे कॉलेज जाकर हैं, लेकिन जो ऊर्जा, जो आत्मविश्वास, जो शोर मुझे यहाँ सुनाई दे रहा है वो शांति से उसका एक रीजन, उसका एक रीजन ये है कि जयपुर के पानी में कुछ तो खास बात है भाई। तो आप सभी लोग आज यहाँ पर एक तरीके से गेट टुगेदर, पिकनिक और एक दोस्तों के साथ पार्टी बना रहे हैं, साथ ही टीचर्स भी हैं, तो इस पार्टी में शामिल होने के लिए हम लोग भी आपके सामने हैं। और इसी बहाने मुझे एक मौका, हम सब लोगों को एक मौका मिला है कि हम आपको हमारे छोटे से प्रयास इस बारे में बता पाए, हमारा छोटा सा प्रयास फिल्म, एक फिल्म जो कि राजस्थानी पृष्ठभूमि से है, राजस्थानी लैंग्वेज में है, और उसमें जो कलाकार हैं वो भी राजस्थान से है। मैं शिवेंद्र सहरियाल, मेरी पैदाइश जयपुर से है, मैं जयपुर में पला बड़ा, और यहाँ तक कि मैं एक बार बताऊँगा आपको, मेरे घर में दो बच्चे हैं जो कि मेरे बड़े भैया के हैं और भतीजा और भतीजी, वो भी महात्मा ज्योतिराव फुले स्कूल में ही पढ़ते हैं। तो मैं सर हमारे भाई चाचा जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें मौका दिया आप सब लोगों से रूबरू होने का, और हमारे बारे में, हमारी फिल्म के बारे में, हमारी उस मेहनत के बारे में जो हमने पिछले एक साल से इसके ऊपर अपने साथ से लगे हुए हैं, कुछ 1000 लोग एक फिल्म पीछे एक साल से लगे हुए हैं, और 7 अक्टूबर को वो आपके पास के नजदीकी सिनेमा घरों में आएगी फिल्म का नाम है कंगना। फिल्म जो है वो सामाजिक मुद्दों पे है, उन बुराइयों पे है जो कि हम खुद चाहते हैं, हमारा परिवार चाहता है, हमारे दोस्त चाहते हैं, पूरी सोसाइटी चाहती है कि वो दूर हो, लेकिन उसके लिए हम शायद कुछ कर नहीं पाते। हमने कोशिश की है आप सब लोगों तक वो समस्या है, वो हंसी मजाक, वो हंसी, वो हल्के से आंसू, चाहे वो खुशी हो चाहे वो इमोशनल हो, आप तक पहुँचाने के। तो हमारी फिल्म है कंगना, और उस फिल्म में मुख्य किरदार जो है वो निभा रहे हैं रूही चतुर्वेदी जी, वे मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2010। और इससे पहले भी इनकी जो फिल्में आ चुकी हैं और आप होता जरा मतलब भी, और हमारे साथ में है विक्रम सिंह शेखाव जी, ये भी जयपुर से हैं, ये भी फिल्म है, और ये फिल्में जैसा कि हम बचपन में अक्सर देखते हैं अमरीश पुरी और दुष्कर्मी, इन्होंने मुख्य किरदार निभाया है एक विलेन का, एक खलनायक का। ऐसे मैं आप सब लोगों से कहूँ कि इनका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है जो कि इस समय पूरे इंटरनेट पे फाड़ रहा है, तो ये आपको ये वो जरूर सुनाएंगे। तो मैं अब आपको मुखातिब कराना चाहता हूँ हमारी फिल्म की हीरोइन रूही चतुर्वेदी, जो फिल्म में एज एन कंगना प्ले कर रही है। हमें यहाँ ही देखे, हमें थैंक्स बोलना चाहिए, हमें यहाँ पे आने का मौका दिया, और हम इतनी देर से बैठे हम बिल्कुल बोर नहीं हुए, हमें बहुत मजा आया, मतलब इनफैक्ट डांस हम सोच रहे आप लोगों में बहुत टैलेंट है, और हम सब भी राजस्थान के, हम सब भी आपकी खाती है, हमने जो मूवी बनाई है कंगना, उसमें हम चाहते हैं आप आगे देखिए, हमारे एफर्ट्स देखिए, क्योंकि अगर ये पिक्चर हिट हो जाती है प्लस की आप में जितना टैलेंट है आपको बॉम्बे भी जाना पड़ेगा, आपके लिए जयपुर में ही इंडस्ट्री होगी, राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री होगी, आप अपने कल्चर से जुड़े रहेंगे, माँ बाप के साथ रहेंगे, उसका नाम भी रोशन करेंगे। हमारी फिल्म में एक मैसेज है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो सीएम साहब का मैसेज है, और काफ़ी जो सपने होते लोगों के वो टूट जाते हैं, उनके बोलते हैं
बाजू वाले क्या करेंगे, शर्मा जी क्या करेंगे। तो उनको बोले नहीं मम्मी आप बोलिए कि आप क्या चाहते हैं। और मुझे पक्का पता है कि वो यही कहेंगे कि हम चाहते हैं कि आप कुछ बन के दिखाएं, उनका नाम रोशन करें, जैसे मेरे दादाजी चाहते थे। मेरे दादाजी का कितना सपोर्ट रहा है मेरे यहाँ तक पहुँचने में, शायद किसी और का नहीं रहा। तो आप सब लोग जरूर कुछ ना कुछ अपने माँ बाप के लिए करिए और ये फिल्म जरूर देखिए जो 7 अक्टूबर को रिलीज हो रही है सब मीडिया सिनेमाज में। और हमारे हम फेसबुक पे हैं, अगर आप में से कौन कौन फेसबुक पे, आप वहाँ पे आइए, आपको फिल्म थिएटर की लिस्ट मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ लग रही है मूवी। हमारी मूवी टैक्स फ्री हो चुकी है तो ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी, आप पॉपकॉर्न समोसे और कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं साथ में। अगर आप चाहते हैं हमारी फिल्म के गाने देखना तो हम यूट्यूब पे ऑलरेडी गाने चल चुके हैं। आप टाइप करेंगे कंगना राजस्थानी मूवी तो आपके सारे गाने आ जाएंगे। आप गाने देखिए, इंजॉय कीजिए और उसके बाद मूवी देखिए। आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आप उसी मूवी के गाने पे परफॉर्म कर रहे होंगे। आज की आनंद की जय हो, जय माता जी की। आप सबको जय माता जी। मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का। और सर ने जैसा कहा हम लोग जहाँ भी गए लोगों को एनर्जी हमने दी, बट यहाँ आके हमें एनर्जी आपसे मिली। हम सब लोग राजस्थानी है, हम सब भी राजस्थानी है। आपके सामने जो रहे हैं वो इंडिया रह चुके हैं, चार मूवीज कंप्लीट कर चुके हैं बट ये मूवी सबसे पहले रिलीज हुई। और अभी आप सोनी पे देख रहे हैं सेकंड मोशन चंद्रमा, उसमें परशुराम जी यही है। एनडीटीवी अगर आप देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के साथ भी यही है, भारतवर्ष में महाविपुत्ता बने हुए। मैंने शो किया है, ये मेरी फर्स्ट मूवी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब आप बोल से बाहर निकलोगे ना तो सिर्फ बाय गॉड यही बोलोगे, क्योंकि जिस पर विक्रम की नजर होती है उसे कोई और देखे तो विक्रम की आंखें दिखाते हैं। ये पहली मूवी है जो 150 थिएटर्स पर रिलीज होगी, जो राजस्थानी मूवी है। और सीएम मैम हमारी आदरणीय वसुंधरा मैम ने इसके पोस्टर का इनॉग्रेशन किया है। उदयपुर के महाराजा श्री लक्ष्मीनाथ सिंह मेवाड़ ने हमें फुल सपोर्ट किया है, पूरे उदयपुर में इस मूवी को प्रमोट किया है। देयर इज समथिंग इन दिस मूवी, सो प्लीज एक शुक्रवार आप सब लोग मूवीज देखते हैं।